फगवाड़ा पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब जिला कपूरथला के SSP सरदार हरकमलप्रीत के दिशा निर्देश पर सरदार सरबजीत सिंह SSP फगवाड़ा तथा सरदार पलविंदर सिंह DSP तथा थाना सतनापुर इंचार्ज मैडम मनप्रीत कौर की टीम द्वारा एक नौजवान के कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए दो दोषियों को गिरफ्तार किया गया। और इतने लॉ गेट के काम करता सीगा, एक जिम के उत्ते काम करता सी, और वो पिछले 2-3 दिन तो मिसिंग सीगा। उसके संबंध में असी FIR नंबर 103 दर्ज की और 364 IPC के और यदि इन्वेस्टिगेशन की, तो असी डूरिंग इन्वेस्टिगेशन उत्थे जितों वर्क करता सीगा साढ़े SHO सतनामपुरा अमनदीप और इन्हां दी टीम ने बहुत वधिया काम किया। उत्थे CCTV दे विच जो देखिया सारा, तो ये दो लड़के हैगे आ जिहड़े इहदे विच फिगर होए सीगे। एक लड़के नाल तां उह जा ही रिहा सीगा और दूसरा जदों वापसी आया तो सैकंड लड़के दा उस स्कूटरी ते आया सी अखबार ते। वह दोनों ही जदों राउंड अप करके उन्हां तों पुछगिछ की तो उहदी डूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये गल सामने आई भी उन्होंने वो लड़की नूं मार दिता है। उहदे संबंध विच फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी के जदों इन्हां ने निशानदेही कराई सानू और उसकी डेड बॉडी कवर की, और जो दोनों लड़के आ वो भी उत्थे ही वर्क करते, किसी टाइम ये तीन ही दोस्त होंगे सके। और इन्हां दी छोटी जी गल नूं लैके झगड़ा होया, उस झगड़े दे विच ही इन्हां दोनों लड़कियां ने जिन्हां दा नाम चंदगी राम ते राहुल जयसवाल, इन्हां ने उसकी मार के ते इन्हां नूं सिट दित्ता खेतां दे विच। की रीजन आया, कारण की आया? जो हुण तक दा आया भी ये जो चौकीदारी करते सीगे किसी साइकिल तो लैके इन्हों का झगड़ा होया, जी साइकिल चक ली सी अपने उन्होंने लांभा दिता, तो उन्हें उन्होंने धमकी दी भी तू मेरे चोरी का इल्जाम गलत लाया। और होर भी हाले इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैगा, कोई होर भी कोई रीज़न पॉसीबल लगता सानू भी कल इन्नी छोटी गल तो नहीं मारिया लगता, परंतु अच्छ सवेरे ही ये राउंड अप किए असी और असी यदि डुंगाई तक जावे कि जो सानू एंगल एक होर भी कोई ना कोई लगता, कोई लव एंगल भी पॉसीबल लगता सानू जिहड़ा कि UP तो ही इतने हैगी आ जो सानू हुण तक दी, पर हाले उत्ते क्लैरिफाई नहीं पूरा मैं कर सकता क्योंकि जिन्ना चिर इन्वेस्टिगेशन दे विच गल सामने नहीं आउंदी। और जो हुण तक दी इंटरोगेशन जी मर्डर वाली और ये साडी जी SHO सतनामपुरा चेहड़ू चौंकी की टीम ने बहुत वधिया वर्क किया और बहुत जल्दी एक जिहड़ा 364 का मुकदमा सीगा होया उन्हों इन्होंने बिल्कुल वधिया तरीके पेश किया। सर जिते उसकी लाश पई सी कि उस जगह पर मर्डर किया या मर्डर करके उत्थे सिटिया गया सी? नहीं उत्थे ही किया, उत्थे बाहर फस पए सीगे जिहड़ा रस्ता नहीं कच्चा रस्ता उत्थे झगड़ा होया, उत्थे ही इन्होंने एक संगल जिहा पा के संगली जी उहदे नाल इहदा गल कुटिया, गल कुट के फिर उत्थे सिट दित्ता। समान से कोई उसकी पॉकेट के कोई फोन वगैरह से बरामद हो गए? वो लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन वर्क करा उस एंगल तो भी जो मोबाइल है क्योंकि जो फादर से ब्रदर इस करके उतों बरेली तो आए साढ़े को भी वो फोन नहीं चक रहा और ना चकन कर ही वो आए थे इतने वो भी हाले पार्ट है। इस मौके मतलब दो ही जने जो मारे दो ही जने फड़े गए? फिलहाल नहीं, जो हूँ तक की इंटरोगेशन यही है भी दोनों ने मर्डर किया, एक ने दोस्त बना के उन्होंने लै गया नाल बाहर खेतों और दूसरे बंदे ने उत्थे गल दे विच पा के संगली इहदा गल कुट दित्ता। इहनां दे पिछला रिकॉर्ड की आया सामने कोई? नहीं हाले तक तो जो ज्यादा उम्र के भी नहीं है, और जिहड़ा लड़का मरन वाला वह भी 20 साल का आ, दूसरा भी इन्ना ही है, पर फिर भी असीं इहनां दे जिहड़ा थाने नाल तालमेल करके उहदा रिकॉर्ड भी कढ़ावांगे, कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। फगवाड़ा से रमन बहल की रिपोर्ट, RBM न्यूज़ इंडिया।